Hello mommies and daddies, welcome back to Playful Sharav. I hope everybody is doing fine. आज मैं आप सबके साथ मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्नैक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है बनाना केक. आई एम श्योर आप सबको भी बहुत पसंद होगा. मेरे घर में भी ये बहुत पसंद की जाती है. शारफ को बहुत पसंद है इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इसे थोड़ा हेल्दी वे में बना सकूँ ताकि ये हम सबके लिए बेटर है. अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं. शारफ अपनी आफ्टरनून नैप ले रहा है. मेरे पास काफ़ी टाइम है कि मैं अपना काम फिनिश कर लूँ जब तक वो उठे ताकि मैं उसके साथ प्ले कर सकूँ, उसे खिला सकूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई एम श्योर यू गोना लाइक द वीडियो एंड यू गोना फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो. थैंक यू. सो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बनाना केक. बनाना को हम मैश कर लेंगे. बनाना में हम लेमन स्क्वीज कर लेंगे. मिक्स करके साइड में रख देंगे. मिक्सिंग बाउल में हम एग ब्रेक कर लेंगे और उसे ब्लेंडर से मिला लेंगे. अगर ब्लेंडर नहीं है आपके पास तो आप विस्क से भी उसे मिला सकते हैं. एड हाफ कप ऑयल, 3/4 कप शुगर एंड ब्लेंड इट प्रॉपरली. एड 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर जिसको हम मैदा भी कहते हैं. एड 1 कप व्हीट फ्लावर. एड 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट. ऐड 1 कप मिल्क. और अच्छे से ब्लेंड कर लें. अब बनाना मिक्स भी मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे. एंड गिव अ वेरी लाइट मिक्स. कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे अभी वीडियो में दिख रही है. ऐड वॉलनट एंड रेजिन्स. ऐड डार्क चॉकलेट. ऑल्सो द आलमंड. दिस इज ऑप्शनल. मेरे पास वेनिला एक्सट्रैक्ट नहीं है. अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं. केक टिन को ऑयल या मैदे से पूरी तरीके से ग्रीस कर लीजिए. केक टिन को 5 मिनट्स प्रीहीट होने के बाद उसमें बैटर डालिए. गार्निशिंग के लिए ऊपर से आलमंड्स एंड थोड़े चॉकलेट डालिए. चॉकलेट डालने से केक का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है. इस बैटर को हम ओवन में 350 डिग्री पे 45 to 50 मिनट्स तक बेक होने रख देंगे. कंप्लीट होता है मैं आपको अपना फाइनल केक दिखाऊंगी. सो स्टे ट्यून्ड. हमारा केक रेडी होके ओवन में जा चुका है बट इस दौरान शारव ऑलरेडी उठ के रेडी हो चुका है. शारव से हाय. तो शारव एक्चुअली बीच में ही उठ गया था
मगर ही वॉज बिजी डूइंग समथिंग। तो मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि शारफ क्या करने में बिजी था जो उसने मुझे जरा भी परेशान नहीं किया। सो लेट्स सी। शारफ को कैसे बिजी रखती हूँ कुकिंग करते समय, दैट टू विदाउट गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम। काफी मॉम्स की शिकायतें होती हैं कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं कुकिंग करते समय, जो कि वेरी ऑब्वियस है। तो आप अपने किचन में ये ट्राई करिए, ये बहुत इजी है और बच्चों को बहुत इंगेज रखती है। दिस मेलिसा एंड डग व्हीकल वुडन मैग्नेट्स आर अवेलेबल ऑन अमेजोन। आई हैव मेंशन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज़ हाउ माई फाइनल केक लुक्स लाइक। शारफ को बहुत पसंद आया। आप भी प्लीज़ ट्राई करें और कॉमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। दृश्य से बाय बाय।